मामला या व्यक्तिगत मामला किसी का भी हो, उस पर टिप्पणी सार्वजनिक रूप से चुनाव प्रचार के क्रम में नहीं की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो हमको तो कई बार बहुत आश्चर्य लगता है कि वही नीतीश कुमार हैं कि दूसरे नीतीश कुमार हैं। ये बचाने का काम बीजेपी किसी को भी कर रही है तो फिर क्या होगा परिणाम, इस तरह की लड़ाई में बिहार की जनता देखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जो है वो कल होना है। इसको लेकर जब हमने उपेंद्र कुशवाहा से जो कि रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता का पूर्ण तरीके से समर्थन हमें मिल रहा है। और जब हमने उनसे सवाल किया कि जिस तरह से कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए लालू परिवार पर तंज था तो उस पर साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ये वही नीतीश कुमार हैं या कोई और, ये तो मुझे पता ही नहीं चलता। पर उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि ऐसे पारिवारिक बयान कहीं भी चुनाव के समय नहीं देना चाहिए। जब हमने उनसे यह भी सवाल किया कि जेडीयू के नेता ने चिराग पासवान को जमुदार बताया है तो उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये तो जेडीयू के नेता ही से सवाल करना चाहिए। और कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी का नाम लेते हुए कह दिया कि बीजेपी ही चिराग पासवान को नचवा रही है। और उनका क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुने। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, जितनी हमको उम्मीद नहीं पहले से थी उससे ज़्यादा लोगों का उत्साह और समर्थन दिखा है जहाँ जहाँ हम चुनाव प्रचार के क्रम में गए हैं। और फिर दूरभाष इत्यादि पर भी लोगों से जो संपर्क हो रहा है उससे स्पष्ट रूप से यह दिख रहा है कि बहुत ही मजबूत उपस्थिति हमारी प्रथम चरण में जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है वहाँ रहेगी। फिर से बोली, हमने सुन पाया लालू यादव के परिवार। हाँ, देखिए निश्चित रूप से पारिवारिक मामला या व्यक्तिगत मामला किसी का भी हो, उस पर टिप्पणी सार्वजनिक रूप से चुनाव प्रचार के क्रम में नहीं की जानी चाहिए, यह ठीक नहीं है। बातचीत का स्तर, विमर्श का स्तर, प्रचार का स्तर एक बना रहना चाहिए, उससे नीचे जाकर किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो हमको तो कई बार बहुत आश्चर्य लगता है कि वही नीतीश कुमार हैं कि दूसरे नीतीश कुमार हैं। अब इतना नीचे लेवल पर जाकर किसी के लिए भी हो यह ठीक नहीं। चिराग पासवान लगातार हमलावर हैं जदयू के ऊपर, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जदयू एक तरह से अगर हम कहें तो उनको जमुरा कहा है कि जमुरा है, नचा कोई और, मदारी और नचा कोई और। देखिए अब यह बात तो जेडीयू से ही पूछना चाहिए कि नचाने की बात अगर कहीं से जेडीयू कर रहा है तो कौन नचा रहा है। सीधा अर्थ है भारतीय जनता पार्टी के बारे में जेडीयू के लोग बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं जेडीयू और बीजेपी एक तरफ गठबंधन में और एक तरफ सीधा आरोप जेडीयू की ओर से है कि नचाने का काम बीजेपी किसी को भी कर रही है तो फिर क्या होगा परिणाम, इस तरह की लड़ाई में बिहार की जनता देखेगी। तो आपने सुना रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पे कहना है कि ये तो मुझे अब पता ही नहीं चल रहा है कि ये पहले वाले नीतीश कुमार हैं या कोई और नीतीश कुमार हैं। वहीं साथ ही साथ उन्होंने जेडीयू के नेता जिस तरह से कल चिराग पासवान पर उन्होंने जमुदरा कह के बुलाया था इसका लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जेडीयू नेता ही बता सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।